ये रोज़ का एक मुश्किल क्वेश्चन होता है, इट्स बिट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी कि आज क्या पकाया जाए। बच्चों को क्या पसंद है, हस्बैंड को क्या पसंद है, इन दोनों की पसंद का सोचते सोचते अपनी पसंद तो कहीं रह जाती है। चलें कोई बात नहीं, हम तो सब कुछ खा लेते हैं, वो भी जो हस्बैंड ने बचाया होता है और वो भी जो बच्चों ने बचाया होता है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, चिकन। लेकिन थोड़ा सा मैं उसको आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाऊंगी। बेसिकली ये बड़ा लाइट सा चिकन है और बगैर रोटी के भी खाया जा सकता है, आप इसको किसी दावत में भी रख सकते हैं साइड डिश के तौर पे। ये बेसिकली लेमन पेपर चिकन है। इसमें करना क्या है, ये मैंने चिकन के थोड़े बड़े वाले पीसेस लिए हैं और देखिए इनमें मैंने अच्छे से कट लगा दिए हैं, ठीक है, पीसेस लिए हैं और अच्छे से इनको जो है वॉश करके इनमें कट लगा दिए गए हैं, ताकि जब इसको मैरिनेट करके रखें तो मसाला जो है वो अंदर तक जाए। मैरिनेशन में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होनी है। इसमें मेरे पास गार्लिक है और 4 बिग स्लाइस के मेरे पास लेमन थे, उनको मैंने कट कर लिया है, उसका जूस स्क्वीज कर दूंगी। ये थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड ज़रूर करती हूँ। ये मैंने 4 to 5 टेबल स्पून जो है योगर्ट लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 टी स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। बाकी अगर थोड़ा टेस्ट कम ज़्यादा होगा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का, तो जब हम इसको कुक करेंगे तो तब हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ये गार्लिक, ये अच्छे से लगा दीजिए, ठीक है, ये अच्छे से लगा दीजिए। ये फ्रेश कोरिएंडर है, ठीक है, ये भी, और ये जो है मैंने योगर्ट के अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट 1 1 टीस्पून जो है ऐड किया था, ये सारा आप इसके ऊपर फैला दीजिए। इसके बाद 1 बाय 1 करके आप लेमन को स्क्वीज कीजिए, इसका जूस चाहिए बेसिकली हमें। चलें जी, ये मैंने अब चिकन जो है मेरा मैरिनेट हो चुका है, अब मुझे प्रिपरेशन करनी है इसकी। मैंने कढ़ाई जो है वो रखी है चूल्हे के ऊपर, इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, चिकन कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर मैं कुछ साबुत गर्म मसाले ऐड करूंगी, जिसमें थोड़ी सी सौंफ है, तेज़पात है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 4 लौंग हैं, ठीक है। ये इसमें आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फिर चिकन जो है, ये जो मैरिनेटेड चिकन है, ये इसमें आप ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएंगे ढककर, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर जितना भी योगर्ट का पानी वगैरह है वो सारा उसमें ड्राई हो जाए। ये देखें ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये खड़ा मसाला। हल्का सा मैं इसको फ्राई करूंगी और हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। ये देखें ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, मैंने कवर उतारा है और ये देखेंगे आपको कंडीशन जो है वो नज़र आ रही होगी। ये देखिए अच्छी तरह से जो है, हाँ हाँ चिकन जो हमारा है देखिए वो टेंडर भी हो गया है, ठीक है, और उसमें से योगर्ट का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन चिलीज, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्की आंच पे हम इसको होने देते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए, फिर इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें हम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, और ये जब इसका अच्छा सा गोल्डन सा हल्का कलर आ जाएगा और ये पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हम इसके ऊपर लीमू एक स्क्वीज़ कर देंगे। गार्निश करना चाहें आप कोरिएंडर से इसको गार्निश कीजिए और फिर डिश आउट कीजिए। इसके साथ साथ जो है मैं बना रही हूँ, इसके साथ सर्व करने के लिए
स्टीम वेजिटेबल्स, ठीक है। स्टीम वेजिटेबल्स ये देखें मैंने काट के एक बोल में रखी है। इसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं या आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास पोटैटोस थे, मेरे पास ये बंद गोभी है, मेरे पास कैरेट है, मेरे पास मटर है, इसके अलावा मेरे पास शिमला मिर्च है। अगर आपको जुकीनी पसंद हो और आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एक मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड की है बिकॉज आई लव सो मच। इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और एक लीमू जो है वो स्क्वीज़ किया है। इन वेजिटेबल्स को मैं स्टीम कर लूँगी, ठीक है। इधर मैंने पानी जो है चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर जो है मैं एक स्टैंड रखूँगी, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, राइट। स्टैंड रखने के बाद जो है मैं इन वेजिटेबल्स को रैप करूँगी फॉइल पेपर में। मैंने सारी वेजिटेबल जो है फॉइल पेपर में रैप करके स्टीम होने के लिए रख दी है। अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। ऑलमोस्ट 15 मिनट में ये बड़ी अच्छी से स्टीम हो जाएंगी। चिकन की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी चिकन जो है उसकी क्या पोजीशन है। 4-5 मिनट्स में ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अभी मैं इसमें चेक कर लेती हूँ कि इसमें सॉल्ट ब्लैक पेपर की और ज़रूरत है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अगर नहीं होगा परफेक्टली डन होगा तो फिर हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए ये चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है, टेक्सचर जो है वो इतना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू और अरोमा उठ रहा है। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। मैंने नमक और इसमें ब्लैक पेपर चेक किया था, नमक बिल्कुल ठीक था, ब्लैक पेपर हल्का सा मुझे कम लगा। वो मैंने फ्रेशली क्रश जो है ब्लैक पेपर जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, और अब मैं इसके ऊपर 1 जो है लेमन जो है वो स्क्वीज कर रही हूँ और मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मीनवाइल जो है हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टीम हो रही हैं। वेजिटेबल स्टीम हो जाती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने इसको डिश आउट करती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या बनेगी। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली इसको ज़रूर ट्राई कीजिए जी। चेक करें आफ्टर 15 मिनट्स जो हैं वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से स्टीम हो गई हैं और बड़ी खूबसूरत खुशबूदार खुशबुएं जो हैं वो उठ रही हैं। ये स्टीम है जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसको डिश आउट करके आपके साथ फाइनल लुक जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखें जी फाइनल लुक, देखिए ये चिकन है, शाइन देखिए इसके ऊपर कितनी खूबसूरत है, स्टीम उठ रही है। ये स्टीम वेजिटेबल्स हैं, राइट। और साथ ही मैंने झटपट जो है ये जो रायता है दही फुल्की वाला रायता जो है वो बनाया है। वो तो मेरा ख्याल है सबको आता ही होगा। योगर्ट में आपने नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च ऐड करनी है, उसको मिक्स करना है, टोमेटो बॉयल करके वो डाल दें काट के, इसमें फुल्कियाँ जो हैं वो डाल दें, प्याज डाल दें और टोमेटो काट के ऊपर से धनिया और गार्निश कर दें धनिए से और चाट मसाला छिड़क दें। तो ये एक मेरा ज़बरदस्त सा कम्बो जो है वो रेडी हो गया है। तो आज मैं बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ क्योंकि हबी की भी पसंद है ये खाना, बच्चों की पसंद का भी है, चिकन है, स्टीम वेजिटेबल है विद दही फुल्की रायता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।